भोपाल की नगरी उज्जैन में नापतौल विभाग के एक इंस्पेक्टर को लोकायुक्त अधिकारी 20,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक एक पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर रिश्वतखोर सरकारी नुमाइंदा धराया है। बताया जा रहा है कि आगर जिले के ग्राम मोरी के रहने वाले आवेदक सुरेश कुमार अटरिया की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। उसके मुताबिक वह पेट्रोल पंप का संचालन करता है। पेट्रोल डीजल के सत्यापान यानी के स्टंपिंग के लिए नापतोल विभाग में पदस्थ निरीक्षक पंकज कनोड़िया उससे 96,000 रुपए की बतौर रिश्वत की मांग कर रहा था, जहां शिकायतकर्ता ने किश्त के माध्यम से 20,000 रुपए रिश्वतखोर अधिकारी को दिए, जहां मौके पर छुपकर बैठे लोकायुक्त अधिकारी ने नापतोल विभाग के निरीक्षक पंकज कनोड़िया को रंगे हाथ रिश्वतखोरी करते दबोच लिया। इस दौरान रिश्वतखोर अधिकारी गिड़गिड़ाने लगा और सफाई पेश करने लगा, लेकिन लोकायुक्त ने उससे 20,000 रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि उक्त रिश्वतखोर अधिकारी लंबे समय से नौकरी की आड़ में काला धन अर्जित कर रहा था। अब देखना यह होगा कि रिश्वतखोर अधिकारी पर प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।